दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज दिन वेडनेसडे का और आज डेट है 26 अप्रैल 2023। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 3:13 हो चुके हैं दिन के, और मैं अभी पहुँच चुका हूँ आपका आईपी एक्सटेंशन पटपड़गंज के पास में हूँ, जहाँ पर मैक्स हॉस्पिटल है और उसके पास में सीएनजी पंप है। सीएनजी पंप से मैंने अभी सीएनजी डलवाई है और सीएनजी डलवा के अभी किया है लंच। तो लंच करने के बाद मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लीजिए। दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब 8 बजे निकला था घर से, आज थोड़ा सा लेट हो गया था। तो 8 बजे निकल के जो पहली बुकिंग मैंने सोचा था कि इन ड्राइव में ट्राई करूं, पर इन ड्राइव में मिल नहीं पाई। उससे पहले मेरे पास ओला में आ गई थी बुकिंग, तो ओला में 1.17 के सर्ज में आई थी रोहिणी साइड की, तो वो ट्रिप मैंने ले ली। क्योंकि ओला में आपको पता ही है, अगर हल्का सा भी अगर सर्ज मिलता है, 1-2 पॉइंट भी एक्स्ट्रा मिलता है, तो वो बिल बना देता है। तो वही चीज़ रही, 17 किलोमीटर का ड्रॉप था जिसमें मेरे को 283 रुपये ऑनलाइन पेमेंट थी राइडर की। तो आकाश हॉस्पिटल सेक्टर 3 से पिकअप था, फिर वहाँ से मैं रोहिणी चला गया था। रोहिणी से फिर मेरे पास आ गई थी ऊबर में, तो ऊबर में मेरे पास आई थी सीधा नीतिबाग आपका एम्स के पीछे वाली साइड पे। तो वहाँ से नीतिबाग मैंने ड्रॉप किया, नीतिबाग से फिर ये लगा लीजिए आज गुड़गांव नहीं गया मैं। गुड़गांव की बुकिंग्स आ रही थी जब मैं उधर रोहिणी साइड में था, तो बुकिंग्स आ रही थी। क्या है कि सुबह सुबह आपको पता है गुड़गांव जाना कितना खतरनाक होता है, तो वही 1.25 घंटे टाइमिंग दिखा रहा था गुड़गांव का। तो मैंने सोचा नहीं यार, 2 घंटे मतलब गुड़गांव जाने में, और फिर फेयर कुछ बनना नहीं है, एसी अलग चलेगा, तो इसलिए फिर उसको अवॉइड किया। तो आज गुड़गांव गया नहीं, आज लोकल ही करी। तो कल जितना काम था उससे थोड़ा कम ही हुआ है। कल मतलब कल मैंने किया था करीब 1700-1800 का कर लिया था 2 बजे तक, और अभी उसका 200-300 रुपये कमी हुआ है, तो 1500 तक का मेरा काम है अभी तक का। तो अभी देखो शाम तक कितना काम होता है, 6-7 बजे तक अपना 7 बजे घर भी पहुँचना है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही, और जैसे कि आप जानते हो मैं कुछ ना कुछ टॉपिक पे बात करता हूँ, कुछ भाइयों के कमेंट्स होते हैं उनका रिप्लाई देता हूँ। तो आज हम एक भाई का कमेंट्स का रिप्लाई देंगे। तो दोस्तों मेरे पास काफ़ी भाइयों के आते रहते हैं कि भैया हमें ऐसी गाड़ी बताइए, मतलब गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, तो गाड़ी ले तो कौन सी ले, कौन सी बेटर है, मतलब इस लाइन में सिर्फ ओला उबर में चलानी है तो कौन सी बेटर है, और अगर ओला उबर के अलावा भी मतलब ऑलराउंडर गाड़ी कौन सी होगी। तो दोस्तों इसके ऊपर मैं वीडियो काफ़ी बार बना चुका हूँ और काफ़ी बार बताया भी है, तो आपको इस अभी फिर मैं दोबारा से बता देता हूँ। क्या है कि दोस्तों देखिए, अगर आपको ओला उबर में सिर्फ काम करना है तो बड़ी गाड़ी तो कभी सोची नहीं, क्योंकि अगर आपको ओला उबर में सिर्फ लोकल दिल्ली एनसीआर में काम करना है तो कोशिश करिए, क्योंकि इस टाइम गाड़ियों की कीमत आपको पता है कि आप छोटी से छोटी गाड़ी भी खरीदोगे, ऑल्टो भी खरीदोगे, वो भी 5.5-6 लाख की तक की आएगी इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। उससे ऊपर जाओगे एस्प्रेसो लोगे, वो भी 7 तक की पड़ेगी। उसके ऊपर जाओगे वैगनर लोगे, तो वो भी 7.5-8 तक के बीच में, 8.5 तक के बीच में पड़ेगी, ठीक है। फिर उससे ऊपर जाओगे मतलब अमेज डिजायर एसेंट की, एसेंट होगी, ओरा होगी, ओरा काफ़ी डिमांड में चल रही है। तो ये सब गाड़ी क्या है कि अब जो कीमत एर्टिगा की होती थी वो अब इन गाड़ियों की हो रही है, और एर्टिगा पहुँच रही है 14-15 लाख के बीच में। तो ये अभी हाल हो गया है, गाड़ियों की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और ऑन डिमांड इतनी है कि आप इस टाइम देख लो दोस्तों, डिज़ायर आपको 6-6 महीने की वेटिंग में मिलेगी, एर्टिगा गाड़ी 1.5-1.5 साल की वेटिंग में चल रही है, और उसके बाद भी प्री बुकिंग चल रही है, इतनी ज़्यादा बुकिंग है, 1.5-1.5 साल के बाद मतलब गाड़ियाँ मिल रही है। तो या तो फिर आप किसी से मतलब शोरूम वाले से सेटिंग करो, एसेसरीज वगैरह लो, तब जाके वो मतलब थोड़ा कम उसमें निकालेगा, पर कम से कम 6 महीने की तो वेटिंग टाइमिंग चल ही रही है इस पे एर्टिगा पे। तो अभी हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि भाई कुछ पूछ रहे हैं कि मतलब सिर्फ दिल्ली एनसीआर में गाड़ी चलानी है, तो दिल्ली एनसीआर के लिए दोस्तों देखो तीनों गाड़ी बेस्ट है। आप या तो छोटी ऑल्टो ले सकते हो, एस्प्रेसो ले सकते हो, या फिर मारुति की वैगनार भी ले सकते हो। तो ये गाड़ियाँ थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी कम तो नहीं है, खैर 7-8 लाख तक की देखो ऑल्टो पड़ेगी आपकी, 5-6 लाख तक की पड़ेगी, ठीक है। एस्प्रेसो भी इतने प्राइस में पड़ जाएगी और वैगनार भी इतने प्राइस में। और तो अगर आपको लोकल चलाना है तो इसमें बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट यही होगा कि दिल्ली की जो तंग गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, उसमें ये गाड़ियां बहुत फ़ायदेमंद होगी और इजीली कहीं से भी निकल जाएगी। जितनी बड़ी गाड़ी लोगे आप
देखिए, सबसे पहले तो आपको माइंड सेट करना है कि भाई मुझे चलाना किस में, सिर्फ लोकल लोकल काम करना है तो ये गाड़ी पे जाना चाहिए। और अगर इससे आपको हटके करना है, सपोज ओला उबर में भी चलाना है और आप चाहते हो कि ओला उबर में अगर मेरा मन भर गया तो उसके अलावा मैं कहीं और लगा दूँ, सरकारी ऑफिस में लगा दूँ, MNC कंपनी में लगा दूँ, एयरपोर्ट्स पे लगा दूँ या किसी भी उसमें लगा सकता हूँ, तो उसके लिए मेरे को बड़ी गाड़ी पे जाना पड़ेगा। तो डिज़ायर, एसेंट, ओरा, ये तीनों गाड़ियाँ भी टॉप उस पर चल रही हैं, तो ये गाड़ियाँ भी आप ले सकते हैं। इसमें बेनिफिट्स यही रहता है कि आपको, देखिए, इसमें ऑल इंडिया परमिट गाड़ी लोगे तो आपको ऑल इंडिया का आउट स्टेशन की बुकिंग मिलेगी। आउट स्टेशन की बुकिंग में आप कहीं भी जा सकते हो या फिर आप मतलब किसी टैक्सी स्टैंड वाले से बात कर सकते हो, वो आपको बुकिंग्स प्रोवाइड कर देगा। या फिर आप फिक्स रूट पे अगर लगाना चाहते हो, सपोज आप खुद नहीं चलाना चाहते, आप ड्राइवर के थ्रू चलाना चाहते हो, तो आप किसी फिक्स रूट पे उसको परमानेंट कर दीजिए। फिक्स रूट पे आपको एक क्या है कि फिक्स अमाउंट मिलेगा, और फिक्स अमाउंट में क्या है कि दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, सबको पता है कि पेमेंट्स वहाँ पर होल्ड करके चल देनी पड़ती है, 45 दिन की पेमेंट्स होल्ड रहती है, उसके बाद ही आपकी पेमेंट आती रहती है, बट वो पैसा मरता नहीं है। उसमें क्या है कि आपको एक जैसे ओला उबर में बुकिंग्स आती है इधर उधर से, उधर उधर से, ऐसे कुछ नहीं आएगी। फिक्स रूट में आपको सीधा रूट्स दे दिया जाएगा, भाई ये रूट्स है, यहाँ से पिकअप लेना है, इतने बंदों को लेना है, तो उसका आपको मतलब 650-700 जो वेंडर आपको रेट देगा उस हिसाब से आपको मतलब वो रूट्स लेना पड़ेगा। तो उसमें ये बेनिफिट्स हो जाता है फिक्स रूट में कि आपकी एक बंदी हुई वो हो जाती है। तो उसमें क्या है कि 5 दिन काम करना पड़ता है, मंडे से फ्राइडे तक का, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है। सैटरडे संडे आप चाहो तो ओला उबर चला सकते हो या बीच में जब भी आप चाहो तो वो चला सकते हो। तो मल्टीपल उसके लिए अगर देखा जाए, अगर ऑलराउंडर गाड़ी तो डिज़ायर है और एसेंट है, ओरा है, ये तीनों गाड़ियाँ बेस्ट है, ओंडा एमएज भी है, तो ये सब गाड़ी आप देख सकते हैं अगर आपको ओला उबर के अलावा भी काम करना है। हाँ, और अगर आपको 6 सीटर में चाहिए तो 6 सीटर में तो आपको पता ही है सबसे बेस्ट गाड़ी है, लो मेंटेनेंस गाड़ी है। मारुति की जितनी भी गाड़ियां आप देखोगे तो लो मेंटेनेंस गाड़ियां होती है, तो बेस्ट गाड़ी 6 सीटर में आपका एर्टिगा चल रही है ऑन डिमांड। और अभी आप चाहे तो किसी भी शोरूम पे ट्राई कर लो दोस्तों, कहीं भी आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी, वेटिंग में मिलेगी, कम से कम 6 महीने की वेटिंग मिलती है उसमें। उसमें बेनिफिट्स आपको देखिए ये हो जाता है कि ओला उबर की बुकिंग, जहां छोटी गाड़ी से हम पूरे दिन में काम करते हैं, ठीक है, 2,500 का भी काम करते हैं पूरे दिन 12 घंटे में, वहाँ आप बड़ी गाड़ी से क्या है कि सिर्फ अगर आपने 2 से 3 बुकिंग कर ली तो आपका पूरा का पूरा अमाउंट उसमें वसूल हो जाता है। तो उसमें ये फ़ायदा होता है। और आउट स्टेशन की बुकिंग अलग आती है उस पर, और आउट स्टेशन की अगर कोई टक्कर गई आगरा, लखनऊ, जयपुर कहीं की, मथुरा की भी, तो वहाँ का आपका बिल आराम से अच्छा खासा बन जाता है। तो उसमें ये बेनिफिट होता है। तो बड़ी गाड़ी देखिए, बड़ी गाड़ी अगर आप सोचो तो बड़ी गाड़ी के लिए आपको आपका बजट भी होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम जो है 10 लाख से तो ऊपर के वो है, उसके बाद EMI करके 14-15 लाख तक की मतलब ये गाड़ियाँ पड़ जाती है। तो लेने से पहले दोस्तों ये सोच लीजिए कि आपका कहीं मतलब सिर्फ ओला उबर के भरोसे तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि अगर आप 6 सीटर गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो ओला उबर के भरोसे ले, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका अलग से कहीं सेटिंग है, आप कहीं MNC कंपनी में लगा सकते हैं या फिर किसी उससे GoIBIBO, मेक माई ट्रिप, रेड बस, मतलब बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिसमें आप टाइप कर सकते हैं, गोजो है, तो इन सब उसमें आप अगर आपकी सेटिंग है और आप कर सकते हो और ड्राइवर के थ्रू लगाना चाहते हो तो अपनी गाड़ी उसमें भी लगा सकते हो। कमाई के बहुत सारे ऑप्शन हैं, करना चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, नहीं करना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी जल्दी से फॉलो कर लेना दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जितना आप वीडियो को शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कितना काम है, कैसा काम है, वैगनआर गाड़ी से कितना काम हो रहा है आजकल, डिजायर से कितना काम हो रहा है, एर्टिगा से कितना काम हो रहा है, कौन सी गाड़ी मतलब दिल्ली की सड़कों पे बेस्ट है, किस गाड़ी पे बेनिफिट्स है, 6 सीटर गाड़ी बढ़िया रहेगी या कौन सी गाड़ी बढ़िया रहेगी, तो ये सारी की सारी वीडियो मैंने डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए दोस्तों, वीडियो बस लिंक लगे हुए हैं, तो आपके कुछ भी कमेंट्स हैं आप मेरे से पूछना चाहते। देखिए मैंने अभी बीच में नंबर अपना चालू रखा था तब काफ़ी भाइयों के फ़ोन आते थे, अभी ये नंबर मेरा बंद हो गया है, बंद किया मतलब इनकमिंग बंद कर रखी है इसकी, तो एक्चुअली यूज़ नहीं होता, तो अभी मैं जल्दी इस नंबर को चालू करूँगा, तो नंबर आपके साथ शेयर करूँगा, जिस भी भाई को कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स के जरिए भी पूछ सकते हैं। तो मैं कोशिश यही करता हूँ दोस्तों आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँ, पर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बिजी होते हैं, रोड पे होते हैं, जिसकी वजह से आपके कमेंट्स का आंसर नहीं कर पाता,
तो ये नहीं होता कि कमेंट्स का आंसर नहीं करूंगा, बट जब भी मैं देखता हूँ तो आंसर जरूर करता हूँ। तो एक्सट्रीमली सॉरी जिसके लिए जो भी भाई बोलता है कि कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते। दोस्तों आपको भी पता है यार, रोड पे रहते हैं तो जब टाइम मिलता है जरूर करता हूँ। तो मैं पहले लाइव भी आता था, आपको पता है कि मैं दिन के टाइम में लाइव भी होता था, ठीक है। अभी थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा गर्मी का टाइम है तो अभी टाइम बहुत कम मिल पाता है। तो जैसे ही मैं देखिए अभी मेरे को लंच के लिए मैं रुकाऊँ आधा घंटा, तो इसमें मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एडिटिंग करूँगा, उसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो सेम आपको देखने को मिल जाती है नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट डे या सेम शाम के टाइम में 6 बजे। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड, बातें होती रहेगी और लेकर आऊँगा नया टॉपिक आपके लिए। और कुछ भी आपके सवाल है तो कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।